हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 98 है। ये हम कर रहे थे बेटा एक्सरसाइज 10.2 और आज करेंगे उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें इन दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है। हल्का सा रिवाइज करें, अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो इन दोनों वेक्टर्स को हम कोलिनियर कब कह देंगे? जब वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा मल्टीप्लाइड ए, जहां पे लैम्डा क्या है? हमारे पास कोई भी स्केलर है। तो हमने इस वेक्टर को मान लिया वेक्टर ए और इस वेक्टर को मान लिया वेक्टर बी। वेक्टर बी को लेके चले, कॉमन आ रहा था, माइनस 2 से कॉमन लिया, और ये जो अंदर का पार्ट बचा है ये हमारे पास वेक्टर ए ही है। ध्यान से देखें, इससे कंपैरिजन करें तो हमारे पास इसी फॉर्म में आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू क्या है? माइनस 2। और ऐसे आने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। यहाँ पे भी हम रिवाइज करें, अगर हमारे पास कोई वेक्टर आर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में, तो हम इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और सी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। सेम काम हम यहीं पे करेंगे। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। बी की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? 3। 1, 2, 3। और डिनोमिनेटर में क्या है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, यानी कि एक तरह से इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलता है, रूट 14। तो ये आगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन गिवन वेक्टर के। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक इस तरह हमारे पास क्या है? कोई वेक्टर है और हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अभी अभी हमने देखा कि वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पहले हमें वेक्टर चाहिए। तो हम वेक्टर निकालते हैं ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, -1 -1i -2 -2j 1 + 3k। ये हमारे पास वेक्टर ए बी आ गया। हम क्या करें, इसका मॉडुलस निकाल दे। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे? -2/6, -4/6, 4/6। ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम मेथड से किया था। और यहाँ पे अगर ये कट रहे हैं तो इन्हें काट दीजिए और ये आ जाएंगे आपके पास गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द वेक्टर्स आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड। हमें बताना है कि ये वेक्टर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ इक्वली इंक्लाइन, बराबर डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, एक तरह से हमने क्या निकालने हैं? इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, और वो क्या होने चाहिए आपके पास? बराबर होने चाहिए, तभी हम क्या कह सकते हैं कि एक्सिस के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली झुका हुआ है। तो वेक्टर तो है ही हमारे पास, हमें पता है किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे? 1/√3 और 1/√3। ये है डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर के। और डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? अगर अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रहे हैं कोई वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन का। यहाँ पे कॉस अल्फा क्या है? 1/√3। कॉस बीटा क्या है? 1/√3। कॉस गामा क्या है? 1/√3। मतलब ये जो वेक्टर ए है, ये जो हमारा गिवन वेक्टर है, वो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाले और ये तीनों क्या आगे? सेम आगे, मतलब ये एक्सिस के साथ बराबर डिग्री पे झुके हुए हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हूज पोजीशन वेक्टर्स आर आई प्लस टू जे माइनस के एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली। स्टेटमेंट को देखते ही हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे लगाने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास OP वेक्टर क्या आ गया, I प्लस टू जे माइनस के। OQ वेक्टर क्या आ गया है, माइनस आई प्लस जे प्लस के। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो हम इनको O से ही मानते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, वेक्टर OP और वेक्टर OQ को कोई वेक्टर OR 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं 2 की Q वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई प्लस 1 की पोजीशन वेक्टर ऑफ P से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2+1। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और इन ब्रैकेट्स को खोल दिया है, सिंपलीफाई किया है, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर R के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब एक्सटर्नली के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, फिर वो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा जो पी क्यू को एक्सटर्नली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। हमें मिड पॉइंट निकालने हैं, तो यहाँ से हम इस पोजीशन वेक्टर को लिख लें 2i + 3j + 4k, और ये हो जाएगा आपके पास 4i + j - 2k। बात हो रही है मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट के वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, 2 और 4 6, 6 का हाफ करेंगे 3i, 3 और 1 4, 4 का हाफ करेंगे 2j, 4 में से 2 गए 2 और 2 का भी हाफ करेंगे 1। कंपोनेंट वाइज हम ऐड करके 2 से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, और हमने क्या देखना है, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम वेरीफाई करेंगे क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं बना रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें साइड चाहिएगी ए बी बी सी और सी ए। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, यहां से हम इन वेक्टर्स को निकालेंगे। देखिए जरा, वेक्टर ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी सी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सी ए के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। जैसे ही ये आ जाते हैं, हम इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें देखनी है कि फॉलो होगी या नहीं होगी। ये आ गई है, क्या किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, मतलब गिवन पॉइंट्स हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सिंपली हमने ए बी सी साइड्स निकाले हैं, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, उनकी लेंथ निकाली है, और देखा है कि क्या पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चार ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको फिगर दे रखी है। हमने बताना है AB+BC+CA=0, AB+BC-AC=0, AB+BC-CA=0, AB-CB+CA=0। ऑप्शंस को देखते ही हमें पता लग रहा है कि हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्या कहता है, AB+BC=AC। एसी प्लस का है, इधर लेके आएंगे माइनस का, ये हमारे पास स्टेटमेंट बी आ रही है, मतलब ये तो क्या है, करेक्ट है। हमें बिना करेक्ट वाली बतानी थी। ठीक है, इक्वेशन 1 से देखिए, माइनस एसी को हम लिख सकते हैं, प्लस में सी ए बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए बी किसके बराबर होता है, माइनस वेक्टर बी ए के। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है, ये हमारे पास ऑप्शन ए है, मतलब ये भी सही है, हमें तो गलत वाली ढूंढनी है।
अब सी और डी में से कौन सा गलत है, हमें ये छांटना है। सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस में सी बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, डी है, मतलब ये भी क्या है, सही है। अब ये और बच गई, क्या ये सही है, जरा इसी को लेके चलते हैं। ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी की, इसकी वैल्यू रख दी है, माइनस में सी ए इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस सी ए को लिख सकते हैं प्लस ए सी, ए सी ए सी टू ए सी, और यहां से ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, मतलब ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो गलत बात है, और हमें गलत स्टेटमेंट ही चुननी थी, मतलब हमारे पास ऑप्शन सी क्या आएगा, नॉट ट्रू, और वही हमें निकालना था। दोबारा देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, हमें चार स्टेटमेंट दे रखी थी और चारों में से हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी। हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज किया और उसको लेके चले, तो हमारे पास तीन स्टेटमेंट तो सही आ गई। अब बची जो है वो सही है या गलत है, तो उसी को लेके चल पड़े। अब ये स्टेटमेंट जीरो है, यहां से क्या आ गया, ए सी ही जीरो है, मतलब ये लेंथ है ही नहीं इसकी, ये वेक्टर ही क्या है, जीरो है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है और यहीं से खत्म हो रहा है, जीरो वेक्टर है ये, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब हमारे पास गलत स्टेटमेंट क्या है, सी वाली गलत स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब आज के लेक्चर का लास्ट। 19. इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगेन हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। फर्स्ट क्या है, वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा ए फॉर सम स्केलर लैम्डा। अब ये स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स हमें क्या दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, और जब कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो ये वाली कंडीशन होल्ड करती है, मतलब ये तो नहीं आएगा। ठीक है, बी की बात करें, वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लैम्डा की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस वन रखते हैं तो ये चीज आ जाती है। अब हम कहें कि वेक्टर बी नेगेटिव साइड वेक्टर ए के बराबर है या वेक्टर ए नेगेटिव साइड वेक्टर बी के बराबर है, ये तो एक ही बात है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ गई, करेक्ट आ गई है। ठीक है, आंसर में ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों को देखते हैं। The respective components of vector A and B are not proportional. अगर vector A हमारे पास क्या है, A1i plus A2j plus A3k, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि component wise की बात हो रही है। और vector B अगर है B1i plus B2j plus B3k, then हमने क्या check करना है कि ये proportional नहीं है इनके components। जरा कोलिनियर की डेफिनेशन में इनको रखें, वेक्टर बी की वैल्यू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के इक्वल टू लैम्डा, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए वन आई प्लस लैम्डा ए टू जे प्लस लैम्डा ए थ्री के। यहां से अगर हम आई जे और के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो बी वन की वैल्यू आ रही है लैम्डा ए वन, बी टू की वैल्यू आ रही है लैम्डा ए टू, बी थ्री की वैल्यू आ रही है लैम्डा ए थ्री, और यहां से अगर हम रेशियो निकालें तो आ रहा है लैम्डा, यहां से भी हम रेशियो निकाल रहे हैं तो आ रहा है लैम्डा, और यहां से भी हम रेशियो निकाल रहे हैं तो आ रहा है लैम्डा। ये तो आपके पास क्या आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये आ गई हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। कोलिनियर हैं तो सेम डायरेक्शन का है इसने, जरूरी तो नहीं सेम डायरेक्शन हो, डिफरेंट डायरेक्शन भी तो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या आ गया, गलत आ गया, इनकरेक्ट ही हमें छांटना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके पास इनकरेक्ट आएंगे। एक तो बेटा बुक में बी भी दे रखा है तो बी नहीं आएगा, और एक कई जगह बुक में यहाँ पे नॉट नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपना आंसर चूज कर लेना। दोबारा देखें जरा इसको, एक बार फिर से देख लीजिए, अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इनमें से गलत स्टेटमेंट बतानी थी, ये तो होल्ड करेगी ही,
और अगर लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो ये भी होल्ड करेगी। इसने कहा था कि कंपोनेंट वाइज प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हमने कंपोनेंट वाइज मान लिए और कोलिनियर की डेफिनेशन में इनको रख के और कंपोनेंट वाइज जब इनको कंपेयर किया तो तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में आ गए। नॉट कहा था तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। और हमें पास कोलिनियर दे रखे हैं, कोलिनियर्स में डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। इसने कहा था कि दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो ये हमारे पास कंपल्सरी नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे मे बी डिफरेंट डायरेक्शन, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। बाकी जो मैंने बताया था आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि नॉट यहाँ पे है या नहीं है और आंसर में बी है या नहीं है, बी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट में माना जाएगा। ठीक है बेटा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा, फेयर नोटबुक मेंटेन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।